Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ ला बी एच यू दिस इज माई ट्वेंटी सेवेंथ लेक्चर एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थानीय सरकार और पंचायती राज व्यवस्था के विषय में क्या प्रावधान किया गया है और पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी के द्वारा अभिकल्पित ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर उन्नीस को ग्राम स्वराज की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को ये निर्देश दिया कि राज्य के द्वारा भारत में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास किया जाएगा चूँकि संविधान लागू होने के पूर्व ही महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला प्रयास किया गया कि आज़ादी के पास आज़ादी के पश्चात भारत एक ऐसे भारत की स्थापना की जाएगी जिस भारत के अंतर्गत ग्राम स्वराज्य की भी स्थापना होगी न केवल केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर भी ग्राम स्तर पर भी एक सरकार की स्थापना होगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वह इस तरह से होगा कि केंद्र से लेकर के और निचले पायदान तक जो ग्राम सभा होगी ग्राम पंचायत होगी गाँव की प्रशासित करने की जो सबसे छोटी इकाई होगी प्रशासन की ग्राम सभा वहाँ तक भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा जिससे कि भारत का प्रत्येक गांव का अभिव्यक्ति सुदूरवर्ती ग्राम गांव में रहने वाला अभिव्यक्ति भी, भी भारत के प्रति उसी निष्ठा भाव से निष्ठा भाव रखे तो यह मैं आपको देखिए स्क्रीन पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप ये देखें कि मैंने स्लाइड में लिखा महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज ये संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत है इसलिए आपको वहाँ पे इम्पॉर्टेंट उसको मेमोराइज करना है सो यू मस्ट रिमेंबर आर्टिकल फोर्टी संविधान की आर्टिकल चालीस को ध्यान में रखें कि ग्राम स्वराज की बात कहाँ पर की गई है पंचायती राज का उद्देश्य क्या है मैंने इस स्लाइड पर लिखा ग्राम विकास है आर्टिकल फोर्टी के अंतर्गत राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास किया जाएगा ये आर्टिकल फोर्टी में लिखा हुआ है तो पंचायती राज्य का यदि हम विकास देखें हम केवल भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात की बात करेंगे कि पंचायती राज्य का विकास कैसे भारत में हुआ है यदि आप देखें आज़ादी के पहले पूर्व देखेंगे तो आप देखेंगे कि मौर्य पीरियड में भी होगा अशोक पीरियड के समय भी गुप्त काल में भी मेडिवल एरा में भी यह कहीं न कहीं कोई समिति विदर्थ सभा के माध्यम से पहले ही आज़ादी के पूर्व भी और प्राचीन भारत में भी जो ऐसी समितियां थीं ऐसी सभाएं थीं वह भी कहीं न कहीं स्थानीय सरकार या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के लक्ष्यों को पूर्ण करती थी परंतु यह ऑर्गेनाइज रूप में संगठित रूप में भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया कि यह राज्यों के लिए निर्देश होगा कि वे अपने अपने यहाँ पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान करेंगे परंतु आप ये देखें कि इसका ऐतिहासिक विकास संविधान लागू होने के पश्चात वे कौन कौन सी समितियाँ थीं कमेटीज़ थी, थी जिन्होंने पंचायतों के गठन के लिए विस्तृत जो है खाका तैयार किया फ्रेमवर्क तैयार किया उस फ्रेमवर्क के तहत भारत सरकार ने सभा समिति या स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया है स्क्रीन पर आप देखें मैंने बलवंत राय मेहता समिति लिखा है 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा 1957 में पहली समिति गठित की गई जो यह सुझाव देने के लिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए तो उसका स्वरूप क्या होगा कैसी व्यवस्था होगी तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिश है उसके अंतर्गत पहले उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए ग्राम लेवल पर पंचायत समिति हो वह ब्लॉक लेवल पर खंड ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना किया जाए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए आवश्यक है कि भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम लागू किया जाए अर्थात गांव के किसी भी गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन की एक छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत को रखा जाए क्षेत्र क्षेत्रीय विकास के लिए खंड के विकास के लिए ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक ब्लॉक कमेटी एक ब्लॉक लेवल पर एक समिति हो और जिले पूरे जिले के विकास के लिए एक जिला परिषद की स्थापना किया जाए जिसको नाम उन्होंने दिया जिला पंचायत परिषद की स्थापना की जाए इस सिफारिश के पश्चात पुनः 1977 में आप देखें 1977 में स्क्रीन पर अशोक मेहता समिति की गठित अशोक मेहता समिति का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा 1977 में जैसा आपको मालूम होगा जनता पार्टी की सरकार आती मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई और इन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की नाइनटीन में उन्होंने कहा कि नहीं ये तीन पहले वाली व्यवस्था नहीं ठीक होगी हम केवल इसको टू टी सिस्टम लागू करते हैं एक मंडल पंचायत होगी और एक जिला परिषद होगी जो मंडल पंचायत होगी ब्लॉक पंचायत होगी वह गांव को लेकर के ब्लॉक दोनों को देखेगी और जिला स्तर की जो बॉडी होगी परिषद होगी वह पूरे जिले के विकास की बात वह पूरे जिला ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी संस्था होगी परंतु इन दोनों सिफारिशों को भारत सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया तीसरी बार प्रयास किया गया पंचायती राज से संबंधित समिति को स्थापित करने के लिए वह एल एम सिंघवी समिति 1986 में गठित किया गया अब इन तीन समितियों ने जो भी सिफारिशें दी आप उसमें देखें जो पहली समिति थी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति थी उस बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्ष जो रिकमेंडेशन थी उसी को भारत सरकार ने संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष उन्नीस में नरसिम्हा राव सरकार ने संविधान में एक संशोधन ला के पूरे देश के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया स्क्रीन पर आप देखें मैंने सेवनटी सेवनटी थर्ड संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और यह जो अस्तित्व में आया यह 1993 से आया कहीं कहीं कन्फ्यूजन इसमें लिख दिया जाता है कन्फ्यूजन है छात्रों में कि यह नाइन्टी होगा नाइन्टी होगा एक्ट बना उन्नीस में लेकिन लागू हुआ ये उन्नीस सौ तिरानवे में तो आप ये दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे अब भारतीय संसद के द्वारा ये जो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उन्नीस में जो केवल पंचायती राज के विषय में बात करता है अब इसको संक्षेप में आप देखें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जो एलेवन्थ शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में वह बहत्तर वो स, वो तिहत्तरवें सॉ तिहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ बानवे के द्वारा जोड़ा गया ग्यारह जो जो ग्यारहवीं अनुसूची है एलेवं शेड्यूल है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ये याद करना है रखना है इसमें कितने विषय हैं आप स्क्रीन पर देखें ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट मैटर्स हैं क्या क्या इसमें जो उनतीस विषय हैं ये किसके लिए हैं ये ग्राम पंचायत के लिए हैं कि ग्राम पंचायतें पूरे देश में ग्राम पंचायतें ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित उनतीस विषयों पर नियम कानून बना सकती हैं और उस पर कार्य करेंगी ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट पर काम करेंगी क्या जैसे कि प्रमुख रूप से मैं इसको संभव नहीं है कि सभी उनतीस को बताएं लेकिन प्रमुख रूप से जो ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो ग्राम सभा उस पर कार्य करेगी उसमें राजस्व संग्रह के लिए प्रयास किया जाएगा जो गांव में मेले लगेंगे जो गांव की बाजार होगी उससे जो राजस्व उसके लिए लाइसेंस देना उससे पैसा वसूलना राजस्व संग्रह करना ये सब जो फाइनेंस के स्रोत हैं ग्राम स्तर पर राजस्व के स्रोत के रूप में कि ग्राम पंचायतें राजस्व को कहाँ से एकत्रित करें जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके इसके लिए ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट्स इसमें दिया गया कि जो ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी कि, कि किसी भी तालाब का पट्टा जो पट्टा जो लीज़ है कितने समय के लिए दिया जाए और उसमें फिसरी है मत्स्य पालन है या जो छोटे कुटीर लघु कुटीर उद्योग हैं उनको लाइसेंस देने का उनसे पैसा जो प्राप्त हो वह ग्राम विकास में लगाया जाए जो से जैसा कि मैंने आपको बताया फिशरीज़ हैं फॉरेस्ट्री है वन के रख रखाव के लिए और उसमें छोटे जो लघु कुटीर उद्योग हैं इसमें बाजार हाट बाज़ार लगाने के लिए जो है उसमें पैसा उनसे लेना जो भी वहाँ पे बाज़ार में बैठ के अपने बिक सामान को बेचेगा उससे पैसा लेना ये ऐसे ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि ग्राम पंचायत कार्य करेगी अब इसको देखते हैं कि सेवेंटी थर्ड जो संशोधन हुआ उसमें मुख्य कार्य इनके मैंने आपको बताया कि राजस्व वसूली है पैसे बाज़ार से ग्राम ग्रा, गाँव में बाज़ार को लगवाना दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र देना आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से नगर पालिका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है वैसे ही पूरे देश में जो गांव में जो भी बच्चे पैदे होंगे उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट देने की जवाबदेही जो है ग्राम पंचायत ग्राम सभा को है कि ग्राम विकास अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से प्रधान के माध्यम से वह जन्म प्रमाण पत्र तैयार होगा बर्थ सर्टिफिकेट तैयार होगा मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार होगा कोई मृत्यु हो, हो गई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आपने देखा होगा कि वो प्रधान के माध्यम से जो है ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उसी के आधार पर जो मृतक मरने के पश्चात जो संपत्ति छोड़कर जाता है उसके वारिस उसके उत्तराधिकारी तय होते हैं अगर यह डेथ सर्टिफिकेट न निर्गत किया जाए तो कानूनी जो दाव पेच होगा न्यायालय के समक्ष वह भी गंभीर तो यह ग्राम सभा के द्वारा होता है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया डेथ सर्टिफिकेट हो गया ग्राम सभा के द्वारा दूसरा हो गया इसी विवाह सर्टिफिकेट कि ग्राम प्रधान के द्वारा और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा यदि कोई गांव में विवाह हुआ है या नहीं हुआ है उससे संबंधित कोई न्यायपालिका के प्रश्न समझ प्रश्न आता है तो यह भी निर्गत करने का दायित्व तो ग्राम पंचायत को दे दिया गया कि ग्राम जो मैरिज सर्टिफिकेट है विवाह संबंधी प्रमाण पत्र है उसको भी ग्राम प्रधान को दे दिया गया तो ज, ज, जन्म प्रमाण पत्र मित्र प्रमाण पत्र विवाह संबंधी प्रमाण पत्र राजस्व वसूलने का दायित्व ऐसे करके यह ग्यारहवीं सूची में एलेवेंथ शेड्यूल में उनतीस सब्जेक्ट मैटर हैं जिस पे ग्राम पंचायत कानून बनाती है जिस प्रकार से राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है जिस प्रकार से भारतीय संसद कानून बनाती है वैसे ही वैसे ही ग्राम लेवल पर गांव लेवल पर ग्राम पंचायत कानून बनाने के लिए अधिकृत है हम जिसको एक लघु संसद के रूप में बोलते हैं हिंदू में स्मॉल पार्लियामेंट है वह वह लघु संसद के रूप में काम करती है लघु विधायिका के रूप में काम करती है आपको ये मालूम होगा कि ग्राम पंचायत को दंड देने की भी शक्ति है ग्राम पंचायत किसी भी ऐसे मामलों में जो मवेशियाँ हैं जो जानवर हैं अगर कोई किसी का नुकसान कर देते हैं तो उनके ऊपर भी पेनाल्टी इम्पोज करने की पावर है और उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट की बात करेंगे पंचायती राज अधिनियम उन्नीस सौ सैंतालीस की बात करेंगे तो यूपी उस पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत को जुर्माना लगाने का फाइन इम्पोज करने का पावर दिया गया है कि मैक्सिमम वह पा पचास रुपये का जुर्माना भी ग्राम पंचायत लगा सकती है किसी भी ऐसे मामले में छोटे अद्यप के छोटे अपराध होते हैं जो ग्राम पंचायतों के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं परंतु है मतलब ग्राम पंचायतों को भी ये पावर है कि वे भी ग्राम विकास के लिए अपने नियम कानून बना सकें वह एक ग्राम जो पंचायत कानून बनाएगी उसमें प्रधान होगा उसके उप प्रधान होंगे अन्य सदस्य चौदह लगभग चौदह सदस्य होते हैं जिनके सम्मिलित प्रयास से किसी भी गांव के विकास के लिए नियम कानून या ग्राम पंचायत बना सकती है ऐसा माना जाता है कि जो ग्राम सभा है वो प्रशासन की सबसे न्यूनतम इकाई है सबसे छोटी इकाई है सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया इस तिहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा वह एक प्रयास किया गया कि पूरे पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में एक तिहाई जो सीट होगी वह महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी वे वीमेन केवल और केवल जैसे मान लिया सौ सीट है तो आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड वह तैंतीस जो थर्टी थ्री परसेंट सीटें होंगी वह उनके लिए महिलाओं के लिए वीमेन इम्पावरमेंट को ये ऐसा इसलिए किया गया कि जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और राजनीतिक प्रणाली में पॉलिटिकल सिस्टम में वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके महिलाएं भी समाज में आगे आकर के गांव में भी जो महिलाएं हैं वह भी आगे आकर के ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ें सरपंच निर्वाचित हों और सरपंच निर्वाचित होंगी तो वह महिलाओं की बातों को अपने समाज की बातों को और प्रभावी तरीके से वह विधानसभा या संसद तक पहुंचा सकती हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं का भी सशक्तिकरण किया जाए इम उनको एम्पावर किया जाए सोशली उनको एम्पावर किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए पहली बार ये प्रयास किया गया उन्नीस में कि पंचायती जो स्थानीय निकाय का चुनाव होगा पंचायतों के जो चुनाव होंगे उसमें भी 33 प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए यह एस टी यह एस और एस वर्ग के महिलाओं को छोड़ करके होगा उनके अतिरिक्त होगा एक तिहाई महिलाएँ सामान्य वर्ग की महिलाएँ भी होंगी दूसरा भी आपने हाल ही में देखा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के पश्चात अभी हाल ही में संसद ने भी संसद के चुनाव में भी लोकसभा के चुनाव में भी महिलाओं के लिए जो इंडियन वीमेन है उनके लिए भी तैंतीस परसेंट आरक्षण की बात कही है जो कि विमेन इम्पावरमेंट की दिशा में एक सराहनीय कदम है एक महत्वपूर्ण स्टेप है अब एक तो इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रोविज़न ये है विमेन एम्पावरमेंट के लिए वन थर्ड सीटें रिजर्व कर ली गई दूसरी बात अब इसको एक एक करके देखते हैं स्लाइड पर कि पंचायती राज जो संस्था है अब इसमें इसके प्रमुख कार्य क्या हैं और राज्य निर्वाचन आयोग इसमें देखेंगे राज्य वित्त आयोग देखेंगे पंचायतों का कार्यकाल क्या है इसको देखेंगे और इसमें पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा इन सभी बातों को इसके अंतर्गत देखने का प्रयास किया जाएगा सबसे पहला इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि भारतीय संविधान के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पहली बार वर्ष उन्नीस सौ बानवे नाइन्टीन नाइन्टी टू सरकार ने यह बहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जैसा कि मैंने आपको बताया यह 24 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में यह लागू हुआ पूरे देश में इसीलिए 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को पंचायती राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कि चूँकि चौबीस अप्रैल उन्नीस को ही पंचायती राज लागू हुआ था इसलिए भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कि 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत पंचायती राज दिवस के रूप में मनाएंगे जिससे कि लोगों में सेंसिटाइज किया जाए लोगों को और संवेदनशील बनाया जाए पंचायती राज व्यवस्था के विषय में दूसरा इस पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यह है कि आ, स, इसी संविधान के आर्टिकल दो बी के अंतर्गत टू बी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी अर्थात भारतीय संसद के द्वारा यह संशोधन कर दिया गया और संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया कि राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके यहाँ यह पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करे यद्यप कि इस संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे राज्य थे जो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था बहुत बाद में लागू किए या अभी तक लागू नहीं किए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको आप अपने यहाँ राज्य में लागू करें ये सत्या के विकेंद्रीकरण का एक साधन है और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए यह संविधान का एक लक्ष्य है और राज्य सरकारें यदि इसको लागू नहीं करेंगी तो यह भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दिया जा सकता है और प्रशासनिक निर्देश का पालन न करना संबंधित राज्य में आपने देखा होगा कि दिशा निर्देश न पालन करना या केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए प्रशासनिक दिशा निर्देश की अवहेलना करना यह राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना या राज्य का राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलाया जाना माना जा सकता है इसका दुष्परिणाम भी यह हो सकता है आप सभी छात्रों को इस, इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करती केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करती तो इसको गंभीरता से लेने के लिए संविधान के आर्टिकल तीन सौ पचपन थ्री फिफ्टी फाइव के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है अब आते हैं कि इसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो पंचायती राज में वह हैं राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग है तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है नॉमनिक्लेचर से स्पष्ट है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा उसका प्रमुख कार्य होगा कि संबंधित राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव कराना पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व ही और क्षेत्र समिति का जिला पंचायत का चुनाव पाँच वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही करा लिया जाना दूसरा कि राज्य राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य में पंचायतों के इस, पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन के लिए वे सभी संभव प्रयास किए जाएंगे जो संविधान के द्वारा अपेक्षित है समय समय पर किसी भी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को बढ़ाना उसमें जनसंख्या को ऐड करना जनसंख्या और किसी ग्राम पंचायत को एक पंचायत से दूसरे पंचायत में ले जाना सुविधा के दृष्टिकोण से यह सब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा चूँकि पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए रखा गया है तो पाँच वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन करा लिया जाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक संवैधानिक अपेक्षा है कि राज्य निर्वाचन आयोग यह कार्य करेगा दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाच ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के लिए वित्त आयोग के परामर्श से वित्त आयोग के सहयोग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा जैसे भी जो वहाँ के निर्वाचन में खर्चा आएगा वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने अधिकारियों को नियोजित करने चुनाव के दौरान लगाए जाने पर ये उसे सब खर्चा उसका बियर करेगा ये सब निर्वाचन आयोग के कार्यों में आता है अब राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना जो पंचायतें हैं उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आर्थ के स्रोत क्या होंगे राजस्व के स्रोत क्या होंगे राज्य वित्त आयोग के द्वारा यह उसको आइडेंटिफाई करना और किस ग्राम पंचायत को कितना राज्य से कितना उसको आर्थिक मदद मिलेगी राज्य विधानमंडल में किसी भी राज्य ग्राम विकास के लिए कितना अलग से बजट दिया जाएगा यह राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट अर्थ के आधार पर राजस्व के आधार पर ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और राज्य वित्त आयोग यह कार्य करेगा जो सबसे प्रमुख समस्या है ग्राम पंचायतों के समक्ष वह है अर्थ का अभाव वह है आर्थिक तंगी का सामना इसलिए प्रायः जो ग्राम पंचायतें हैं वे ये आरोप लगाती हैं कि उनको सही समय से या तो पैसा नहीं मिलता सही समय से उनको ग्रांट नहीं मिलते अनुदान नहीं मिलता इस इसलिए उनके कार्य बहुत सारे कार्य धनाभाव के कारण बाधित होते हैं जो कि राज्य वित्त आयोग को यह जिम्मेदारी संविधान के द्वारा दी गई है दूसरा इसमें स्लाइड पर देखें सबसे महत्वपूर्ण जो आया है सेवेंटी फोर चौहत्तरवां संविधान संशोधन मैंने आपको अभी बताया कि दो संशोधन हुए तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन और चौहत्तर सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ संविधान संशोधन अधिनियम जो सेवेंटी थर्ड संविधान संशोधन अधिनियम है वह पंचायतों से संबंधित है सेवेंटी फोर्थ जो है संविधान संशोधन वह है नगर पंचायतों से संबंध नगर पालिका को लेकर के है नगर पंचायत की व्यवस्था क्या होगी शहरी क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होगा यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष उन्नीस में नाइन्टीन में पंच नगर पंचायती सिस्टम को लागू किया गया प्रणाली को लागू किया गया जिस स्लाइड पर आप देखें कि नगर पंचायत इस जो सेवन चौहत्तरवें संविधान संशोधन नियम 1992 इसमें मैंने क्या लिखा है बारह अनुसूची जो ट्वेल्व अनुसूची जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई इस ट्वेल्व अनुसूची में भी ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आ, या ग्यारहवीं अनुसूची में उनतीस सब्जेक्ट विषय रखे गए सब्जेक्ट मैटर रखे गए वैसे ही बारहवीं अनुसूची में भी अट्ठारह विषय रखे गए जिस पर कि नगर पालिका को कानून बनाना है नगर पालिकाएँ भी नगर निगम भी वह अपने अपने राज्यों में कोई भी राज्य अपने यहाँ जनसंख्या के आधार पर कहाँ पर नगर पालिका होगी कहाँ पर नगर निगम होगा जैसा कि मैंने आपको बताया एक महानगर क्षेत्र के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है कि 10 लाख से ऊपर की आबादी को महानगर क्षेत्र घोषित किया जाएगा और वहाँ पे एक मेयर की स्थापना की जाएगी उससे अगर कम है तो हम वहाँ पे नगर पालिका रखेंगे नगर पालिका अध्यक्ष रखेंगे इसका प्रावधान इस संविधान संशोधन नियम के माध्यम से लाया गया है अब आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने नगर पंचायत को दो भागों में इसमें डिवाइड किया है इस अधिनियम के द्वारा पहला एक वार्ड समिति है और दूसरा है नगर निगम और या नगर पालिका नगर निगम कहाँ होगा मैंने आपको बताया कि जो या नगर पालिका कहाँ होगी ये डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन है कि अगर जहाँ पर आबादी इतने से ज़्यादा है दस लाख से ज़्यादा है मेयर की स्थापना किया जाए नगर पालिका अध्यक्ष उससे कम के आबादी पर होगा प्राय आपने देखा होगा जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का चूर्ण निर्वाचन होता है सरपंच का निर्वाचन होता है ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति का चुनाव होता है जिसको हम सभासद बोलते हैं जिसको कारपोरेटर बोलते हैं जो पावर जो कार्य गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम प्रधान का है वही पावर वही कार्य शहरी क्षेत्र में सभासद का है ग्राम प्रधान जैसे अपने संबंधित ग्राम के विकास के लिए उत्तरदायी होता है अपने गांव के विकास के लिए सभी उचित कदम उठाता है वैसे ही शहरी क्षेत्र में एक वार्ड विशेष के लिए कारपोरेटर को सभासद को अपने उस वार्ड सम वार्ड के विकास के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इस संशोधन चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वे सभी उसके पास पावर हैं जो ग्राम प्रधान को ग्राम स्तर पर दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर समय समय पर जिस प्रकार से ग्राम प्रधान ग्राम विकास के लिए समीक्षा करता है समीक्षा बैठक कर सकता है उसके द्वारा ग्राम समाज की ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन करना कि किस ज़मीन पर ग्राम समाज कौन सी ज़मीन ग्राम समाज की है तालाब जो टैंक्स हैं जो पॉन्ड्स हैं उनका ब्यूटिफिकेशन करना सौंदर्यकरण करना उसमें उसमें फिशरीज़ को मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्रदान करना पट्टे पर देना लीज पर देना किसी भी भूमि को ये सब ग्राम प्रधान गाँव के स्तर पर करता है ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में जो कार्पोरेटर है सभासद है अपने उस वार्ड के विकास के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के द्वारा दिए गए धन के आधार पर विकास का कार्य सुनिश्चित करता है जन्म प्रमाण पत्र का तैयार किया जाना बर्थ प्रमाण पत्र का तैयार किया जा सॉरी मृत्यु प्रमाण पत्र का तैयार किया जाना और विवाह प्रमाण पत्र का तैयार किया जाना जिस प्रकार से ग्राम पंच ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है ठीक उसी प्रकार से वार्ड समिति के द्वारा सभासद के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र विवाह संबंधी प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है दोनों को अगर तुलनात्मक कर अध्ययन करेंगे तो ये जो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एक तरफ अगर हम लिख लें ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया कार्य दूसरी तरफ लिख दें कि सभासद के द्वारा किया गया कार्य तो आप जितने कार्य इधर ग्राम प्रधान का है वही कार्य सभासद का शहरी क्षेत्रों में मोर आर लेस लगभग वही है कुछ कार्यों को छोड़ करके जो कि स्वाभाविक है गांव में नहीं होगा शहर में तालाब नहीं होंगे शहर में ज़मीन नहीं होगी जिसको वाड़ इस तरह से कुछ जो बातें हैं छोड़ करके अन्यथा ग्राम प्रधान और सभासद के कार्यों में अगर हम कंपेरिज़न कर लें तुलना कर लें तो एक मालूम होगा कि दोनों के कार्य लगभग समान होते हैं अब यदि कोई भी ग्राम प्रधान अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी या सभासद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी पाँच वर्ष के पूर्व उसे कैसे हटाया जा सकता है यदि वह स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा ये समस्त प्रावधान इस अधिनियम इस संशोधन नियम के अंतर्गत दिए गए हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत राजस्व संग्रह के लिए कार्य कर सकती है वैसे ही शहरी क्षेत्रों में सभासद अपने उस वार्ड में बाज़ार के माध्यम से मेले के माध्यम से राजस्व संग्रह कर सकता है और लाइसेंस प्रदान कर सकता है नगर निगम के अंतर्गत मेयर या नगर पालिका के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष उस नगर पालिका क्षेत्र में या नगर क्षेत्र में मेयर किसी भी मेले हट बाजार का आयोजन करा सकता है और उसके लिए कोई निर्धारित शुल्क रख सकता है उस से प्राप्त राजस्व को उस स्थानीय विकास के कार्यों में लगा सकता है यदि ये महत्वपूर्ण है दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि ऐसे पदाधिकारी जो सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं चाहे वो ग्राम प्रधान हो या सभासद हो अगर उस वह सरकारी धन जो उसको धन लोकेट किया गया है फंड लोकेट किया गया है उस फंड का अगर मिसयूज कर लें तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी उनको कभी भी उसके पद से हटाया जा सकेगा तो उनके पद से न केवल उनके पद से हटाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ़ आपराधिक न्यासभंग का मुकदमा हो सकता है और आपराधिक कार्रवाई में उनको दो सिद्धि या सजा भी हो सकती है ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि तो हैं लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि हैं हटाने की प्रक्रिया उनकी अलग है अपराध कर देते हैं तो आपराधिक प्रक्रिया उनके लिए अलग है कदापि उनको किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं है जैसा कि विधानसभा जिसका विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त है तो ये बातें आ, हम ग्राम सभा और नगर पंचायत को दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि मेयर का जो कार्य है नगर निगम के अंतर्गत कारपोरेशन के अंतर्गत वैसे ही कार्य जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का है ज़िला पंचायत अध्यक्ष पूरे ग्राम विकास के लिए उत्तरदायी होता है वैसे ही जो नगर पालिका अध्यक्ष है या जो मेयर है वह अपने पूरे शहरी क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए वह योजनाओं को सरकार के द्वारा योजनाओं को लागू करवाना उसी प्रकार जैसे कि ग्राम विकास के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का लागू कराया जाना प्रभावी लागू कराया जाना ज़िला परिषद अध्यक्ष के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है अब इसमें आपने देखा कि मैंने स्लाइड पर आपको बताया कि नगर पंचायत में वार्ड समिति नगर निगम मेयर नगर पालिका अध्यक्ष कहाँ होंगे बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका का कार्यकाल पाँच वर्ष जैसे कि पंचायती राज के अंतर्गत है अब जिला योजना समिति जो होगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होगी उसके लिए जिले के शहरी विकास के लिए मैंने आपको बताया कि ये मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष महानगर योजना समिति महानगर के विकास के लिए यहाँ पर मेयर का भो मेयर का रोल ज़्यादा होगा और देखें पंचायती राज एवं नगर पालिका में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है स्लाइड पर देखें यह कौन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग करता है मैंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उसके सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी उनका एक निश्चित टेन्योर होगा वह उनको एक निश्चित सैलरी वेतन भत्ते दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित करेगा कि यदि जो इस अधिनियम के अंतर्गत एक तिहाई वन थर्ड महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है उनका भी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना राज्य निर्वाचन आयोग पर ही है दायित्व तो राज्य निर्वाचन आयोग पर है उसी तरह से मैंने इसमें आपको बताया राज्य वित्त आयोग है स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो कार्य है मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं दूसरा इससे स्लाइड पर आप देखें जो शेड्यूल मैंने लिखा है अनुसूची है इस अधिनियम के अंतर्गत उस अनुसूची में ग्यारहवीं अनुसूची अभी मैंने इसको डिटेल में बताई दिया है फिर भी इसको सुविधा के जन देखें ग्यारहवीं अनुसूची में क्या है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा गुड प्राइमरी एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है ये भी एक इस समय वर्तमान का सबसे सेंसिटिव विषय है प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंड है कृषि विकास एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी विकास होगा पशुपालन है फिशरीज़ है एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज़ मत्स्य पालन बाजार एवं मेले प्राण शिक्षा ये प्रमुख जो ग्यारहवीं सूची में ट्वेंटी नाइन में स्लाइड पर ही लिख दे रहा हूँ इसी में आप देखें एक जगह कि ग्यारहवीं अनुसूची में ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट मैटर है वह दिया गया है ग्राम पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत जो ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट मैटर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में संवेदनशील मुद्दा है वह है प्राइमरी एजुकेशन का प्राइमरी एजुकेशन का सेंसिटिव मुद्दा यह है कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के सरकार तो नियुक्ति कर दी जाती है मिड डे मील योजना एक है जो कि सरकार एम बोलते हैं उसको मिड डे मील मिड डे मील मध्यान्ह अपराण का भोजन यह एक प्रयास किया गया कि भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि राज्य सरकारों को एक, एक स्कीम दे दिया जा बना के कि जो ड्रॉप आउट केसेस थे प्राइमरी एजुकेशन में प्रा प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को रजिस्ट्रेशन तो होता था पंजीकरण तो होता था एडमिशन प्रवेश लेते थे लेकिन वह बीच में ही छोड़ करके शिक्षा चले जाते थे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती थी उसका सबसे प्रमुख कारण सबसे प्रमुख जो रीज़न था वह वह गरीब या गरीबी या निर्धनता थी क्योंकि उन बच्चों के लिए सबसे प्राथमिक कार्य जो था वह परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का व्यवस्था करना वो या तो अपने परिवार के माता पिता के साथ खेतों में काम करने जाते थे या शहरी क्षेत्रों में उनके साथ वो कहीं दुकान या शॉप पर बैठने लगते थे तो देखा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ड्रॉप आउट केस बढ़ रही हैं जिससे कि हमारा जो लिटरेसी रेट है साक्षरता दर जो है वो अभी भारत की लिटरेसी रेट प्रभावित हो रहा है तो जब हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो बैकबोन है समाज का एक बोले मेरुदंड है रीढ़ है तो अगर उसमें ड्राप आउट केस बढ़ रही हैं बच्चे नहीं आ रहे हैं और ये आबादी लगभग आपने देखा होगा कि इसको कैसे थोड़ा लॉजिकल तर्क संगत बनाएं आपको मालूम होगा कि भारत में जो शहरी क्षेत्र की आबादी है वो आज की डेट में लगभग तीस परसेंट है और ग्रामीण आबादी जो है सेवेंटी परसेंट है जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है सेवेंटी परसेंट तीस परसेंट यदि शहरी आबादी है पूरे आबादी का पूरे पॉपुलेशन का जनसंख्या का तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर आज भी है वह अभी बहुत अच्छा बहुत सुधरा हुआ नहीं है और जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति को अब तो बहुत धीरे धीरे सुधार हुआ है देखने में कहीं कहीं ऐसे प्राथमिक विद्यालय लगते हैं कि जिनमें उनके जो उनका आधारभूत ढांचा है इन्फ्रास्ट्रक्चर है वो शायद किसी कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी स्कूल से के लगभग बराबर या उनसे अच्छा भी देखने को लगता है लेकिन ये संख्या कम है तो ऐसी स्थिति में ड्राप आउट केस उनके ज़्यादा हैं गरीब बच्चों के बच्चे ही पढ़ते हैं वे अपने आर्थिक तंगी के कारण बीच में परीक्षा छोड़ बीच में स्कूल छोड़ देते हैं इसको रोकने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो प्रमुख मुद्दा है वह भोजन का है वह जो भी रोजगार करने जाते हैं वह खाने की ही व्यवस्था करते हैं अगर हम खाने को बच्चे को भोजन से जोड़ देंगे उसको दोपहर का भोजन विद्यालय में ही मिलेगा तो ड्राप आउट की केस कम होगी इस सोच के साथ विचार के साथ मिड डे मील योजना लागू की गई तो इसका बड़ा सक, इसका बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिला कि जब मीडियम जब एमडीएम लागू किया गया तो इससे ड्रॉप आउट केस अपने आप रुक गई वे बच्चे प्रायः जो स्कूल से भाग जाया करते थे प्रवेश दाखिला लेने के पश्चात उनको भोजन के साथ जोड़ दिया गया तो वह मिड डे मील योजना का भी लाभ ले रहे हैं शिक्षा पढ़ भी लिख रहे हैं उनके लिए कुछ आर्थिक सुविधाएं दी दी जा रही हैं फ्री ऑफ कास्ट उनको बुक्स किताबें भी दी जा रही हैं पुस्तकें दी जा रही हैं उनके लिए फ्री ऑफ़ कास्ट जो है ड्रेस यूनिफॉर्म भी आ रहे हैं तो सरकार के द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयास का यह प्रतिफल है कि प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा अब पहले की तुलना में बेहतर देखने को मिल रही है और कहीं कहीं पर विद्यालय जैसा कि मैंने आपको बताया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है लेकिन एक जो सबसे बड़ी बुनियादी समस्या अभी भी इसमें बनी हुई है जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन में ब्यूरोक्रेट के बच्चों को नहीं जोड़ेंगे स्थानीय जो पदाधिकारी हैं जो वहाँ पर नौकरशाह हैं यदि उनके बच्चों को जब हम जब तक हम उस विद्यालय में आवश्यक रूप से दाखिले को नहीं बनाएंगे तब तक शायद इस प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति जो है बहुत बेहतर होने वाली नहीं है तो ये स्वाभाविक है जब वहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो ब्लॉक में रह रहे हैं जो बेसिक बेसिक्स अधिकारी हैं अगर उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में बढ़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से उस स्कूल का कायाकल्प अपने आप होने लगेगा और सरकार में जो विकास का जो काम है वो अपने आप द्रुती तीव्र गति से होने लगेगा मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख पाता हूँ तो निश्चित रूप से प्राइमरी एजुकेशन का जो भविष्य है इसके लिए सुधार की जो आवश्यकता है अगर हम इसको एक चीज़ जोड़ दें कि अगर वहाँ पे हमारे ब्यूरोट के बच्चे भी पढ़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से उस स्कूल का जो है उस स्कूल की स्थिति बदल जाएगी अभी वह प्रायः बहुत कम है जिसमें हम एक ये सारी बातें बहुत ही बहस का मुद्दा हो सकता है टेक्निकली आप उसको स्क्रीन पर देखें कि प्राथमिक एजुकेशन की जो अभी थोड़ा स्थिति सुधरी है और वह केवल एम एम्डिय, डी योजना है जो मध्यान्ह दोपहर का भोजन का है दूसरा इसमें देखें मैंने ग्यारहवीं अनुसूची में जो लिखा है कृषि विकास को लेकर के कृषि विकास से संबंधित जो योजनाएं तैयार की जाएंगी वह ग्राम विकास ग्राम पंचायत लेवल से होंगी ग्राम विकास अधिकारी की सहभागिता होगी पशुपालन मत्स्य मैंने आपको बताई दिया बाजार मेले लगाने की जो पावर दी गई है प्रौण शिक्षा भी एक एडल्ट एजुकेशन की बात है एडल्ट एजुकेशन भी इसमें एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में जोड़ा गया है हमारी आपने देखा होगा कि प्रौण शिक्षा जो है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था कि केवल उनको हस्ताक्षर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रौण हो चुके हैं एडल्ट हो चुके हैं वयस्क हो चुके हैं और किसी कारणवश व शिक्षा औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं फार्मल जो एजुकेशन है उससे वंचित हैं तो उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाए उनके घर पे जा जा करके उनको कम से कम हस्ताक्षर करना और लिखना पढ़ना और उनको हस्ताक्षर सिग्नेचर कम से कम कराना सिखा दिया जाए क्योंकि भारत के लिए बड़ा अफसाफ होगा कि हम किसी भी आ, सरकारी योजना का लाभ लेने जाएं और जब हस्ताक्षर करने की बात आए तो अंगूठा उस पर लगवाया जाए एक समस्या है लेकिन इस प्रौण शिक्षा को लागू करने के लिए जवाबदेही जो की तय की गई है वो भी ग्राम पंचायतों की है कि ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राम आ, जो पंचायतें हैं विकास ग्राम विकास अधिकारी है प्रौण शिक्षा कार्यक्रम को लागू करें और ये निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है कि हमारी जो साक्षरता दर है उसमें प्रौढ़ शिक्षा का भी योगदान है कि साक्षर व्यक्ति वह है जो हस्ताक्षर कर सकता है और जो लिखा हुआ पढ़ सकता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है साक्षर कौन है भारत में लिटरेट कौन है एक जो परिभाषा दी जाती है वह यही परिभाषा ही है कि जो लिख सकता है जो लिखा हुआ पढ़ सकता है जो अपना हस्ताक्षर कर सकता है वह साक्षर है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य और प्रौढ़ शिक्षा या ग्रामीण सूची में है ग्राम लेवल पर एक बहुत बड़ा विषय है तो इसको भी ग्राम पंचायतें इस स्कीम को योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास करती हैं अब देखते हैं बारहवीं अनुसूची आप स्लाइड पर देखें मैंने इसको तम रूप में बनाया है कि ग्यारहवीं अनुसूची और बारहवीं अनुसूची में अगर जो जितने भी सब्जेक्ट मैटर आपको ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं उससे थोड़ा कम है नगरी पंचायत नगर पंचायत में क्योंकि नगर पंचायत इसलिए कम है उसका कारण स्वाभाविक है कि हमारा जो शहरीकरण है अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ है जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गांव में रहता है तो ग्रामीण विकास ज़्यादा बल है भारत सरकार का और शहरीकरण में शहरों में जनसंख्या कम है इसलिए सब्जेक्ट मैटर भी कम है विषय भी, भी कम हो गए यही इसका तर्क है और कोई इसका लॉजिक नहीं है कि क्यों उसमें उनतीस विषय रखे गए और क्यों इसमें अठारह ही विषय रखे गए उसका तर्क यही है, है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गाँव में रहना और शहर में उसके तुलना में कम है आप इसको देखें बारहवीं अनुसूची जो ट्वेल्थ अनुसूची में नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों में बाज़ार मेले ये जो मार्केट होंगे जो कभी कभी आपने देखा होगा मेले लगे इस मेलों से जो लगाए जाते हैं वहाँ पे जो वेंडर होते हैं स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनसे पैसा लिया जाता है राजस्व वसूली की जाती है कौन लेता है शहरी क्षेत्रों में ये नगर मेयर को अधिकार दिया गया है नगर में अध्यक्ष नगर अध्यक्ष को दिया गया है गांव में ग्राम प्रधान को दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी के सहयोग से पैसा वसूलेंगे ग्राम विकास में लगाएंगे नगरीय क्षेत्रों में जो है ये बाजार से और मेले से पैसे को नगर विकास के लिए लगाएंगे नगर विकास इनकी प्राथमिकता में है आप उसको स्लाइड में देखें कि ये भी उसी में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है अब दूसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो क्या क्या समस्याएं हैं किन किन समस्याओं का सामना पंचायती राज व्यवस्था कर रहा है वह चाहे ग्राम पंचायत हो या वह नगर पालिका या नगर निगम हो इनमें ये जो क्या इनके किस्म चुनौतियां हैं प्रमुख चुनौतियां हैं उसको मैं एक एक करके बताऊंगा और फिर उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं जिससे पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है मजबूत किया जा सकता है और हमारी जो डेमोक्रेसी है जो डेमोक्रेसी एट रूट लेवल है हम इसको कहते हैं कि रूट लेवल पर जो हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत है जिला पंचायत है और वार्ड ये हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है ये इसको और कैसे मजबूत किया जाए उस उसके विषय में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं उन चुनौतियों का जो भारत वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था प्रति सभी लगभग सभी राज्यों में कर रही हैं वह है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है पंचायती राज संस्थाओं के प्रति आधारभूत सुविधाओं की कमी का होना देखा गया है जैसे कि पंचायतों का अपना खुद का भवन न होना उनकी खुद की बिल्डिंग न होना वो या तो कहीं पे किसी आंगनबाड़ी केंद्र में या किसी दूसरे सरकारी बिल्डिंग में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उस भवन में अपना वह कार्य कार्यालय चला रहे हैं और वहाँ से अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं तो एक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर किसी ग्राम पंचायत का अपना भवन नहीं होगा और वह भवन के लिए वह शेयर करेंगे किसी दूसरे प्राथमिक विद्यालय में तो विकास की योजनाओं में क्या कार्य करेंगे यह एक बहुत बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की लेकर के है उनके अगर अगर कहीं किसी ग्राम पंचायत के पास अपना खुद का भवन है तो उनके पास अपनी हाइजीन व्यवस्था नहीं है उनके पास अपने मैन पावर नहीं है उनके पास जो है बिजली की व्यवस्था नहीं है उनके पास अपना इंटरनेट नहीं है अगर इंटरनेट है तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है आज आप सभी ने देखा होगा कि विशेषकर कोविड के पीरियड में सारी सरकारी योजनाएं लगभग डिजिटल हो गई थी तो डिजिटल एरा में जो डिजिटल क्रांत मतलब डिजिटल जो डिवाइस हैं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से सरकारी योजनाएं जो भी हैं कि उनको हम कुछ पैसा दे रहे थे उस दौरान कोविड के दौरान भी उस गरीब तब वर्गों के लोगों को कुछ पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा था उनको कुछ फ्री ऑफ कास्ट आज भी उनके उनके आधार कार्ड हैं आधार कार्ड से लिंक किया गया है परिवार को छः किलो भोज गेहूँ चावल इत्यादि ऐसे भोजन ग्राम जो पंचायत है वह देना सुनिश्चित करती है ग्राम प्रधान के माध्यम से ऐसे गांव के लोगों को जो कि गरीबी रेखा के बी कार्ड रखे हुए हैं एल कार्ड रखे हुए हैं उनको कुछ निश्चित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तो उसके लिए भी डिजिटली उस ट्रांसफर किया जाता है उनका नाम जोड़ना हटाना घटाना उसमें सारी क्राइटेरिया डिजिटल डिवाइड डिजिटल डिवाइस के माध्यम से होता है परंतु जो सबसे बड़ी समस्या देखने के साम आ रही है वह है डिजि डिजिटल डिवाइड का होना गैप का होना कि मतलब उनके पास ये तभी संभव हो पाएगा जब स्मार्टफोन होंगे एंड्रॉयड फ़ोन होंगे हालाँकि अभी प्रयास किया गया भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वह प्रयास सराहनीय है आपने देखा होगा कि यह प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और हायर एजुकेशन तक में वह शिक्षकों को भी एंड्रॉय मतलब ये स्मार्टफोन दिए गए और हायर एजुकेशन में उच्च उच शिक्षा में जितने भी छात्र पंजीकृत हैं उनको भी फेज वाइज लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सभी बच्चों को लगभग आज की डेट में स्मार्टफोन दे दिया गया है तो धीरे धीरे सरकार का जो प्रयास हो रहा है वो डिजिटल डिवाइड कम किया जा रहा है जो डिजिटल डिवाइस है डिजिटल डिवाइड की मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया कि जो देयर इज ह्यूज देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट परटेनिंग टू डिजिटल डिवाइस मतलब जो सक्षम धनी लोग अमीर वर्ग है या गरीब वर्ग है उनमें डिजिटल डिवाइस का यूज का एप्लीकेशन का बहुत बड़ा गैप है तो उनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है मतलब स्मार्टफोन नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो सर ये माना गया कि जब तक हम इनको ये नहीं देंगे आने वाले समय में जो वर्तमान समय है और आने वाला जो समय है वो डिजिटल का ही डिजिटल ए रहा है हम पढ़ाई की बात करें तो उनको वेबिनार है उनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है जिनके माध्यम से सूचनाएं शेयर की जा रही हैं इवन गवर्नमेंट की सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो भी वो डिजिटली उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको पैसा डिजिटली ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनके अकाउंट में तो इसके लिए आवश्यक है कि आ, समाज के उस वंचित वर्ग को जिसके पास ये सुविधा नहीं है उनको भी हम डिजिटली जो है इक्विप्ड करें उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएं तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह सफल प्रयास है उसके हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि वो हायर एजुकेशन तक के बच्चों को वो फ्री ऑफ कास्ट स्मार्टफोन दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो ये समस्या है पंचायतों के समक्ष भी कम होगी क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से कि लगभग केंद्र सरकार के द्वारा लगभग सभी राज्यों में अब विशेषकर आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब प्राथमिक विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों को जो वहाँ के प्राचार्य हैं और जो सीनियर मोस्ट जो टीचर होगा उसको भी उन्होंने स्मार्टफोन दे दिया है डिजिटली उनको एडवांस कर रहे हैं कि आप वहाँ पर उनको एक मतलब एक स्मार्टफोन दिए गए हैं टैबलेट दिए गए हैं कि जिससे वे बच्चे की जितने बच्चे वहाँ पर अटेंडेंस उनकी हो रही है उसको वो वीडियोग्राफी करें उनकी अटेंडेंस उसमें लगाएँ और एक पोर्टल गवर्नमेंट पोर्टल पर उसको अपलोड करें कि कितने बच्चों ने मिड डे मील योजना को अवेल किया है इससे आप देखें कितनी सुधार की बातें होंगी कि मिड डे मील योजना में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड होते थे सपोज़ रजिस्ट्रेशन हो रहा है सौ बच्चों का मिड डे मील योजना खा भोजन कर रहे हैं डेढ़ सौ बच्चे अब वो लिस्ट बन के चली जा रही रजिस्ट्रेशन और यूज अप्लीकेशन में दोनों में डिफरेंस था तो गवर्नमेंट ने किया कि अगर हम इनको डिजिटल डिवाइड दे देंगे या डिजिटल डिवाइस दे देंगे मोबाइल से आप उनकी वीडियोग्राफी करिए कितने बच्चों ने खाना खाया उसको पोर्टल पे अपलोड करिए तो पता चला कि बच्चे हैं पचास और वहाँ पे हंड्रेड सौ बच्चों का दो सौ बच्चों का बन के आ रहा है कि इन बच्चों ने भोजन किया है और यद्यप कि वो बच्चे न स्कूल जा रहे हैं न तो मिड डे मील योजना का तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लगेगी जो प्राइमरी स्कूल में इस प्रकार की बातें हैं उनकी अटेंडेंस भी आएगी जब हम इसको डिजिटली जो कनेक्ट कर देंगे तो बच्चे कम से कम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्कूल में रहेंगे कि भाई या नहीं तो उसके लिए प्राचार्य जो हेडमास्टर मास्टर है उसका जो सीनियर मोस्ट टीचर है उसकी अकाउंटबिलिटी फिक्स की जाएगी कि या तो पढ़ाई का स्तर नहीं ठीक है या बच्चों को जोड़ नहीं पा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वहाँ पे सही से काम नहीं कर पा रही हैं शिक्षा मित्र जो है वहाँ पे कार्य सरकार इतना यदि पैसा खर्च कर रही है तो उसका सकारात्मक परिणाम आना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में भी पंचायती राज स्तर पर भी पंचायतों को कैसे सुदृढ़ किया जाए उनको ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप को कि ग्राम प्रधान भी वहाँ विवाच करें मॉनिटर करें कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा हो रही है वह समय से लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये कार्य किया जा रहा है तो आपने मैं ये बताने का प्रयास किया कि जो प्रमुख समस्या है पंचायती राज्य के समक्ष वह है पंचायतों का भवन अपना स्वयं का भवन न होना उनके पास बिजली संसाधन न होना वे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का न होना इंटरनेट यदि है तो इंटरनेट का काम न करना पुअर कनेक्टिविटी का होना ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था आज वर्तमान में जूझ रहा है और जिसके कारण वह समय से न तो उनके पेपर तैयार हो पाते हैं और न तो उस पेपर तैयार होने के कारण वह समय से सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाते हैं उनको पत्राचार करने में ईमेल करने पर ईमेल करने में उनको व्हाट्सअप करने में जी ये जानबूझ भी हो सकता है या हो सकता है वास्तव में समस्या हो लेकिन जो आज की डेट में है कि पंचायतों के स्तर पर भी वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है जिससे कि वो मेल के माध्यम से पंचायत स्तर पर जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसको सरकार को सूचित करें सरकारी पोर्टल पर करें ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा भी पंचायत लेवल पर आपने देखा होगा कि ग्राम जो विकास अधिकारी है उसके सहयोग के लिए उसको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है कि पंचायत जो सहायक होंगे वे भी ग्राम विकास अधिकारी को सहायता प्रदान करेंगे जिससे कि जो सरकारी योजनाएं हैं नीतियाँ हैं उनको सही तरीके से ये जो टेक्निकली एक्सपर्ट लोग होंगे वो योजनाओं को आ, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जनता तक सीधे जोड़ने का प्रयास किया गया है अब ये बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की कि क्या क्या आधारभूत सुविधाएं कौन कौन सी नहीं हैं पंचायती राज के पंचायती व्यवस्था किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है तो मैंने पहला आपको बताया कि भवन संबंधी समस्या है इनके पास इलेक्ट इनके पास बिजली की समस्या है इनके पास अपने स्वयं के पेयजल की समस्या है वाटर की समस्या है इनके पास अपनी पुअर कनेक्टिविटी है इंटरनेट का होना अगर इंटरनेट है तो उसका पुअर कनेक्टिविटी का होना ये समस्याएँ अब इन आधारभूत समस्याओं से ज़्यादा बिकट जो समस्या पंचायती राज की समस्या है वह है फाइनेंस का अर्थ का है आर्थिक संकट प्रायः यह पंचायती राज जो पंचायतें हैं आक्षेप करती रही हैं कि हमें समय से आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होती इसलिए हम विकास के कार्य नहीं कर पाते या हमारे ऊपर इतने कंट्रोल हैं कि इतनी जो इतने जगहों से पैसा पे कंट्रोल लगा हुआ है कि हम गांव के विकास के लिए ग्रामीण विकास के लिए समय रहते कोई धनाभाव के कारण आर्थिक अभाव के कारण कोई निर्णय नहीं ले पाते तो ये भी एक कारण है कि फाइनेंस का कम होना आर्थ आर्थिक इस, आर्थिक संकट का सामना जो पंचायती राज के द्वारा किया जा रहा है और सेम स्थिति यही पर जो नगर पालिकाएँ हैं नगर निगम हैं वो भी ये ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग भी आर्थिक स्थिति आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं जिसके वजह से नगर का विकास बाधित होता है प्रभावित होता है दूसरी तरफ जो हम यदि गवर्नमेंट का डेटा देखते हैं जो स्टैटिस्टिक देते हैं तो ग्राम विकास के लिए जो पैसा आवंटित हो रहा है आप उसको देखेंगे कि ग्राम विकास के लिए जो पैसा आवंटित हो रहा है बहुत ज़्यादा है आप किसी भी गांव में जाएँ वहाँ की सड़कों के निर्माण के लिए नाली के निर्माण के ड्रेन को ड्रेनेज के लिए पानी के लिए शुद्ध जल के लिए ये सरकार का जो एलोकेटेड फंड है वो ज़्यादा है बजट ज़्यादा है और दूसरा या नगर विकास के लिए हो तो भी आर्थिक स्थिति जो उनका धन जो फाइनेंस है वो भी सही समय से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों को देखने से लगता है कि ये जो डेटा है जो अभी आपको मतलब जितनी भी चुनौतियां हैं जो चाहे वह नगर पंचायत हो या पंचायती राज व्यवस्था हो मैंने आपको इसको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है अब इसको दूर कैसे किया जाए इसको ये बात आते हैं कि जो पंचायती राज के समक्ष या नगर पंचायतों के समक्ष जो चैलेंजेज हैं उस चैलेंजेस को कैसे हम रिमूव करें और चुनौतियों को समाप्त करते हुए हम इनके विका इनको विकसित करें मजबूत करें सबसे पहला आप देखें कि आ, अच्छा एक पॉइंट इसमें जो रह गया नगर जिला इसमें पंचायती राज व्यवस्था के समझ एक और चुनौती है वह है प्रधानपति को लेकर के सरपंचपति को लेकर के शायद इस बात को बहुत सारे मीडिया के माध्यम से भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह समय समय पर उठाया जाता रहा है कि आप देखें ऐसा पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा प्राय देखने को मिलता है कि जहाँ पर महिला कोई सीट है आरक्षित सीट है और महिला को प्रधान बना दिया गया सरपंच बना दिया गया तो मीटिंग में जो सरकारी मीटिंग है उस मीटिंग में महिला वो महिला प्रधान नहीं जाती उसका प्रधानपति जाता है और प्रधानपति जाने के कारण जो है जो महिला प्रधान है सरपंच है वह सरकार के बहुत सारी योजनाओं को जान ही नहीं पाती कि सरकार की कौन सी सारी योजनाएँ हैं और जब कभी यह इसका यह कारण महिला का पढ़ा लिखा नहीं है इसका यह कारण है यह मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है पुरुष प्रधान समाज का होना और वह अपने प्राय ऐसे मामले आए हैं जब किसी अधिकारियों के द्वारा डांट डपटा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वह मीटिंग में आए महिला जो प्रधान है वह मीटिंग में आए उसका पति को मीटिंग में रोक दिया जाए क्योंकि वह योजनाओं को उसके तक सूचित नहीं करता महिलाएं जो हैं वह महिला प्र... महिला सीट अगर आरक्षित हुई है तो उसका एक कारण है कि उस पूरे आबादी में महिलाओं का प्रतिशत उस उस, उस गांव में ज़्यादा होगा इसलिए महिला सीट उस आरक्षित की गई है और एक बार महिलाओं को अगर आरक्षित करके महिला सीट वहाँ किया जाएगा किसी गाँव में महिला प्रधान होगी तो जो महिलाओं से संबंधित समस्याएँ होंगी वे महिलाएं अपनी समस्याओं को महिला होने के नाते उस महिला प्रधान को अच्छी तरीके से बता पाएंगी और वह महिला अपने अपने कम से कम स्त्रियों के महिलाओं के लिए एक उचित कदम उठाएगी अच्छे स्कीम योजनाएं लाएंगी तो सरपंच पति या प्रधान पति को लेकर के एक समस्या जो उत्पन्न हुई इसमें भी सरकार के द्वारा यह कहा गया कि इनको किसी भी मीटिंग में आने से रोका जाए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो महिला जो प्रधान है उसी को मीटिंग में आने दिया जाए इनके पति को इस ऐसे ऐसे सरकारी मीटिंगों में नयाने दिया जाए क्योंकि वह जो बात वहाँ से सीख के जाते हैं वह पत्नी को नहीं बताते और अपने ही संचालन करने लगते हैं अपने ही वो सारे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जो कि महिलाओं को आरक्षण देने का तीस प्रतिशत जो सीटें तैंतीस प्रसेंट जो सीटें आरक्षित करने का जो उद्देश्य है यह निष्फल हो रहा है हमें विमेन एम्पावरमेंट करना है जबकि उस महिला प्रधान का पति उस मीटिंग में कार्य भाग ले रहा है यह इस अधिनियम का उद्देश्य जो है वो निष्फल हो रहा है डिफीट हो रहा है तो इनको रोका जाए ये भी एक समस्या है दूसरी बात कि अब इनको कैसे पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए तो पहला ये है कि ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी को सरकार की योजनाओं को कैसे अवगत कराया जाए कैसे उस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करें यह उनके लिए सबसे जो आवश्यकता है कि समय समय पर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएं जिससे कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी सरकार जिला मुख्यालय स्तर पर या राज्य स्तर पर वह सरकार के लोक कल्याणकारी मीटिंगों में आमंत्रित किए जाएं और वह समन्वित रूप से ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी समन्वित कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे तब जाकर के ग्राम का किसी गांव का विकास होगा पहला दूसरा जो इनका फाइन जो आर्थिक संकट का जो सामना कर रही हैं ग्राम विकास ग्राम विधान जो ग्राम पंचायतें हैं इनके इनके बजट को और एलो के बढ़ाया जाए अगर इनको और आर्थिक व्यवस्था दी जाएगी आर्थिक रूप से इनको संपन्न किया जाएगा तो इनका ये जो बहाना है कि नहीं हम अर्थ के कारण धनाभाव के कारण नीतियों को सही समय पे क्रियान्वित नहीं कर पाते वह भी नकार दिया जाएगा तो अर्थ वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ करना वित्तीय इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना दूसरा जो भी सरकारी योजनाएँ आती हैं उसके विषय में आ, गांव स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो प्राधिकारी हैं अवेयरनेस तो कार्यक्रम होते हैं जागरूकता कार्यक्रम अभी हो रहे हैं लेकिन इस जागरूकता कार्यक्रम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए ये महीने दो महीने में एक बार हो रहे हैं जो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी को महीने में दो बार बनाया जाए बढ़ाया जाए हम जो फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं या जो परिवार नियोजन की बात करते हैं या ग्राम स्तर पर कैसे होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ती हैं ये कैसे उसको प्रभावी करेंगी प्रोग्राम इसके लिए जागरूकता अभियान कराया जाए अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए इनको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर की जा रही है कि प्रत्येक लगभग जो रिमोट एरिया में गांव हैं जहां पर कि बिजली नहीं लाइट की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो ऐसे ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की बेहतर सुविधा बनाई जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम है समस्या हो उसको दूर किया जाए इनके लिए अलग भवन के निर्माण किए जाएँ जब तक इनके पास आधारभूत संरचना नहीं होगी तब तक ये अपनी योजना जब नहीं बना पाएंगे तो ये गांव का विकास क्या करेंगे और शहर का विकास क्या करेंगे तो यह ग्राम पंचायतों के लिए साथ ही साथ नगर विकास के लिए भी जो नगर पालिकाएँ हैं नगर निगम हैं वहाँ पर भी इन्हीं सभी प्रायः ही जो इंटरनेट की समस्या है वह शहरी क्षेत्र में नहीं रहती क्योंकि शहर में अगर बिजली है इलेक्ट्रिसिटी है और शहर में अगर इंटरनेट है तो ये दोनों शहरी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति रहती है तो गांव में इसकी समस्या ज़्यादा है तो गांव में इसके लिए जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है या इलेक्ट्रिसिटी है उसको और बढ़ाया जाए उनको और जिससे कि वे अपने लोक लो कल्याणकारी स्कीमों को सही समय से कार्यान्वित कर सकें मैंने ये जो सही समय पे उनका निर्वाचन सुनिश्चित किया जाए और ये बाधकर बना दिया जाए कि प्रत्येक राज्य में जो पंचायतों का निर्वाचन है वो पाँच वर्ष की समाप्ति के पूर्व करा लिया जाना चाहिए कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ राज्यों में बंगाल ऐसा था कि कुछ राज्यों में विधानसभाओं कुछ राज्यों में पंचायती राज चुनाव हो ही नहीं रहा बिहार भी जैसे था बिहार में पता चला पाँच वर्ष हो गया और पंचायती राज जो ग्राम पंचायतों का चुनाव है ग्राम वह पंचायती राज का चुनाव ही नहीं हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि इस राज्य में जो ग्राम पंचायतों का निर्वाचन है वो पाँच वर्ष हो गया छः वर्ष हो गया अभी इसमें निर्वाचन नहीं हो रहा है तो समय से निर्वाचन कराया जाना ये अपेक्षित है आवश्यक है जिससे कि हम महात्मा गांधी के द्वारा अभिकल्पित या सोचे गए ग्राम स्वराज की अवधारणा को हम साकार कर सकें इन्हीं सभी सुझावों के साथ मैंने पूरे पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक पक्ष को लेकर के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें जो किए गए प्रयासों को लेकर के नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को क्या क्या पावर दिए गए हैं वे क्या क्या कर सकती हैं किन समस्याओं का सामना ये कर रहे हैं इस समस्याओं को कैसे दूर करते हुए हम स्थानीय सरकार को और कैसे मजबूत करें इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संशोधन और सभी आ, कानून इनके सभी शक्तियाँ इनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है इसको मैंने बताने का प्रयास किया और उम्मीद किया और करता हूँ कि समस्त जानकारी आपके लिए लाभकर होगी यदि आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद